नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश सरकार के मंत्री जी को महंगाई नहीं दिख रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। गैस का दाम, जो रसोई गैस है, उसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद मंत्री जी को महंगाई नज़र नहीं आती और कहते हैं कि जनता जो है आंशिक तौर पर इसका असर पड़ता है जनता पर, और बहुत कुछ कह रहे हैं मंत्री जी। सुनिएगा तो आप हंसिएगा कि रोइएगा, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद आप तय कीजिएगा। तो सुनिए पहले बयान, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, नीतीश सरकार के मंत्री हैं नारायण प्रसाद, वो क्या कह रहे हैं, महंगाई को लेकर किस तरह का बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आज साइकिल से पहुंचे थे विपक्ष के विधायक, जो सरकार को प्रदर्शन करिए दिखाना चाह रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से वो साइकिल की सवारी कर रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्री, उनका बयान पहले सुन लीजिए आप जी। वो कुछ लोग साइकिल से गया था, वो एक दिन दो दिन का बात है। वो तो दिखाने के लिए गया था, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए गया था, जनता को दिखाने के लिए। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, और पुनः उस पर जो है हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से। तो सर उसके भारत में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भारत तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। सर आपको असर नहीं हो रहा है? आपको असर नहीं पड़ रहा है? इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है। कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में तो थोड़ा आता ही। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। महंगाई की आदत अब जनता को हो गई। जी, तो सुन लिया आपने, मंत्री जी अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं। नारायण प्रसाद हैं ये मंत्री, हैं पर्यटन मंत्री, पर्यटन का जिम्मा है, घुमाने फिराने का जिम्मा है इनको, बिहार का जो पर्यटन को बढ़ावा देना है। नीतीश कुमार के, हालांकि अगर बात करें सीएम नीतीश कुमार की, तो उनके प्रायोरिटी में है बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देना। जब सरकार पूरे एक्शन में नहीं थी, उस वक्त नीतीश कुमार घूम घूम के तमाम पर्यटन स्थलों का जायजा ले रहे थे और तय कर रहे थे कि किस तरह से बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो पर्यटन मंत्री हैं ये नारायण प्रसाद जी बिहार सरकार के, पर अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं महंगाई को लेकर। जब इनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि आम जनता गाड़ी से नहीं चलती है, वो तो बस से चलती है। मतलब आम जनता कार से नहीं, बस से चलती है, इसलिए आम जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गाड़ी उसके पास तो है ही नहीं। मतलब मंत्री जी का बयान अजीबो गरीब है और हास्यास्पद है। हंसी आए कि रोए आप, ये तो आप ही तय कीजिएगा। सुने आए आपने पूरा बयान, एक बार फिर से आप उनके बयान को सुन लीजिए, फिर हंसना रोना तय कीजिएगा जी। वो कुछ लोग साइकिल से गया था, वो एक दिन दो दिन का बात है। वो तो दिखाने के लिए गया था, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए गया था, जनता को दिखाने के लिए। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः उस पर जो है हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से। तो सर उसके भारत में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भारत तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। सर आपको असर नहीं हो रहा है? आपको असर नहीं पड़ रहा है? इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है। कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में तो थोड़ा आता ही। तो जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं। जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसको महसूस करती है कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है। महंगाई की आदत अब जनता को हो गई। जी, तो सुना आपने कि किस तरह से मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर हंसी आए कि रोना है। मैं बार बार इस बात का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आखिर मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आम जनता पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ा है? आम जनता जो है गाड़ी पर चल, बस पर चलती है,
इसलिए उसको उतना एहसास नहीं होगा महंगाई का। गाड़ी नहीं है उसके पास, वो साइकिल से चलेगी आम जनता। और कहते हैं कि आम जनता पर आंशिक तौर पर असर पड़ेगा, आंशिक तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो बस से चलती है आम जनता। और साथ ही साथ मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जनता को आदत हो जाती है, जनता है आदत तो डालनी ही पड़ेगी, सरकार जो भी बजट दे दे उसे तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार हैं हम तो आम जनता हैं। जी हाँ, आम जनता को कह रहे हैं कि झेलना ही पड़ता है, उनकी आदत सी हो जाती है। वाह मंत्री जी, आपका तो बयान अजीबोगरीब से भी बढ़कर है कि आप कहते हैं कि आम जनता तो बस पर चलती है और सरकार जो बजट देती है उसे झेलने की उसे आदत सी हो जाती है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, हम आदत डालेंगे, कोशिश करेंगे कि बस पर चलें, पैसे बचा लें और आदत डाल लें, क्योंकि सरकार ने जो बजट दे दिया है, महंगाई बढ़ा दी है, उसमें हम जीना सीख लें। यही कहना चाहते हैं आप क्या? ठीक है, सोचेंगे। तो खैर आप भी सोचिए, और आम मतलब मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ कि वो भी सोचे कि मंत्री जी का बयान क्या कुछ कह रहा है, और मंत्री जी के बयान के मुताबिक आप भी आदत डाल लीजिए महंगाई में जीने की। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।